हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुराने गमलों में जब हम रंग लगाते हैं तो गमले एकदम नए लगने लगते हैं। तो मेरे पास दो नए प्लांट्स हैं जिनको रिपॉट करना है, तो इन्हीं दो गमलों में मैं रिपॉट करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों गमले मैंने रंग दिए हैं और अभी इनको मैं धूप में सुखा दूंगी। आज का दिन ये ऐसे ही पड़ा रहेगा दोनों गमला, और कल इनमें प्लांट्स रिपॉटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। तो फ्रेंड्स, ये दोनों प्लांट्स हैं जिनको रिपॉटिंग करनी है, तो इसकी रिपॉटिंग मेरी बेटी करेगी। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको दिखाया था कि मेरे बेटी ने कुछ अपने मनपसंद प्लांट्स खरीदे हैं, तो उनकी ये खुद रिपोर्टिंग करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। और ये दो गमले भी अभी तैयार है, सूख गए हैं रंग इनके। तो देखिए, ये मेरी बेटी रिपोर्टिंग कर रही है और मैं भी उसको मदद कर रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि कैसे करना है। तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी। फ्रेंड्स, आज संडे है और मैं आज अपने वरंदा गार्डन की साफ़ सफाई करूंगी। तो हफ्ते में मैं ये एक बार करती ही हूँ, सारे गमले स्टैंड से उतार देती हूँ और स्टैंड को अच्छे से मैं धूल मिट्टी जो है हटा देती हूँ, और ये जो बॉटम ट्रेज होते हैं इनको भी मैं साफ़ करके फिर से मैं इनको सजा देती हूँ। और अभी गमले मैं एक एक करके फिर से रख दूंगी स्टैंड पर। तो काफ़ी सारा मेहनत लगता है, लेकिन अपने गार्डन को साफ रखना भी ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स को हेल्दी और प्रेजेंटेबल रखने के लिए हमें गार्डन की साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। एक दिन में तो सारे काम हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं डिवाइड कर लेती हूँ। ये हिस्सा मैं एक दिन करती हूँ और वो डबल स्टैंड को जो है मैं किसी और दिन साफ़ करूँगी। फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक का टेबल है जिसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे थे, तो अभी मैंने इनको सारे उतार दिए हैं और इस टेबल की भी सफाई कर देती हूँ। बहुत धूल मिट्टी जम गई थी, तो साफ़ कर देने से फिर से मैं प्लांट्स रखूँगी तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो देखिए, सारे प्लांट्स नीचे रखे हैं। अब एक एक करके मैंने सारे प्लांट्स अरेंज कर दिए हैं, तो कुछ ऐसे लग रहे हैं। ये झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगा दूंगी,
तो वो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए पोछा लगाने के बाद कितना साफ लग रहा है मेरा वरांडा गार्डन। फ्रेंड्स मैंने प्लांट्स के पत्तों को भी अच्छे से भीगे कपड़े से अच्छे से मैंने इनको साफ कर दिया है। तो देखिए कितने शाइन कर रहे हैं पत्ते। तो हफ्ते में एक बार हमें ये ज़रूर करना चाहिए, इससे पत्ते जो है साफ रहते हैं और फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट अच्छे से कर पाता है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये मेरा क्लीनिंग रूटीन जो संडे का है आपको देखकर अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर नए अपलोड का खबर आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने प्लांट्स का खूब सारा ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।